भारत की 77वीं स्वतंत्रता दिवस पर दरभंगा जिले का सबसे बड़ा और मुख्य कार्यक्रम हमेशा की तरह पूरे उल्लास के साथ नेहरू स्टेडियम में हुआ, जहां प्रमंडलीय आयुक्त ने झंडोत्तोलन किया। वहीं इस मौके पर जिलाधिकारी राजीव रोशन, वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार, नगर निगम के आयुक्त सहित सभी वरीय पदाधिकारी मंच पर मौजूद थे। इससे पहले पायलट गाड़ी पर सवार होकर प्रमंडलीय आयुक्त ने परेड की सलामी ली। इस विशेष अवसर पर समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सभी सम्मानित अधिकारियों के हाथों सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाया गया। अंत में आयुक्त साहब ने जिले में हो रहे विकास कार्यों पर विस्तृत जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। दरभंगा जिला के सम्मानित सारे नागरिक जन, भाइयों बहनों तथा प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आप सभी को देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूँ। इस पावन अवसर पर हम स्वतंत्रता संग्राम के महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने अपनी आजादी की लड़ाई बिहार से शुरू की थी, एवं अन्य सारे महान स्वतंत्रता सेनानी सेनानी एवं उन सभी वीर सपूतों का सत सत नमन करते हैं, जिनकी कुर्बानी ने हमें स्वतंत्रता दिलाई। स्वतंत्रता संग्राम में मिथिला वासियों का योगदान भी उल्लेखित रहा है और यह आज के आधुनिक इतिहास द्वारा चलाई गई सभी योजनाओं का दरभंगा जिला व मिथिला प्रमंडल के सभी जिलों में 100% सरजमी पर उतारा जा रहा है। हमारे जिला के अंतर्गत लगभग 40 लाख मान और कार्य दिवस सृजित कर भारत ने अपने श्रम और बिहार में सबको श्रम उपलब्ध कराया गया है। साथ ही लोहिया स्वच्छ बिहार योजना के अंतर्गत WPO का निर्माण सभी पंचायतों में करवाया जा रहा है और उधर जल को रिचार्ज करने हेतु कई प्रयास किए जा रहे हैं। दरभंगा जिला में माननीय मुख्यमंत्री साहब निश्चय पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंतर्गत सभी 14 योजनाओं में उल्लेखनीय प्रगति है और इस तरह से इस प्रमंडल और इस जिला के सभी नागरिकों को स्वच्छ पेयजल, शौचालय, नाली गली प्रकाश इत्यादि की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसी तरह इन प्रकार की सुविधा के लिए 16 स्ट्रीट लाइट भी चरणवार लगाए जा रहे हैं और भी लगाए जाएंगे। साथ ही शिक्षा के लिए उच्च शिक्षा क्षेत्र में बिहार